लॉकडाउन के तीसरे चरण में गुरुवार को भी महानगर में चहल पहल दिखा। इस दौरान नौसर चौराहे पर अन्य जिलों से शहर में आ रहे बाहरी गाड़ियों का नंबर नोट किया गया और अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों और यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की गई और उनका नाम पता नोट करने के बाद ही जाने दिया गया। बिना पास और मास्क के शहर में आ रहे लोगों का चालान किया गया और पुलिस द्वारा सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि शासन के द्वारा कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई है और शहर में कई चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें पास, मास्क और हेलमेट चेक किया गया है। कई गाड़ियों का चालान किया गया और कुछ गाड़ियां सीज की गई हैं और जो लोग अनावश्यक शहर में घूम रहे हैं उनकी गाड़ियों को सीज करके ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया गया है। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, बिना मास्क के घरों से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, नाम पता लिखा देंगे उसके बाद ही प्रवेश करेंगे। कोरोना महामारी से केवल बचाव ही उपाय है। तब आगे गाड़ी लगा लें और एंट्री करा दें, यहाँ पे यात्री को सुरक्षित रखें। से आने वाले सभी व्यक्ति अपना नाम पता लिखाएंगे, सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें। बहुत ही नेक कार्य है, समाज की सेवा करना, कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। इंसान की सेवा करोगे ईश्वर प्रसन्न होगा, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लोगों को नाश्ता करवाते हैं, लाई भूजा पानी की व्यवस्था किया गया है, पैसेंजर को गाड़ी में बैठा कर नाश्ता करवाते हैं। रोटी करते हैं, पानी खाना लो, आगे बढ़ते रहो। अरे
सीमा। ये लॉकडाउन का जो तीसरा चरण चल रहा है, इसमें कुछ दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। आज मेरे और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पूरे शहर में मुख्य मुख्य स्थलों का भ्रमण किया गया, जिसमें बलदेव प्लाजा, भलोटिया मार्केट, इन सब स्थानों भ्रमण किया गया। दुकानें चेक की गई, जिन दुकानों में पास था वही दुकानें खुले। इसके अतिरिक्त तो रोड पर भी गाड़ियों की सघन चेकिंग कराई गई, कई गाड़ियों का चालान कराया गया, कुछ गाड़ी सीज भी की गई। जो लोग बिना मतलब बेफालतू घूम रहे उनको कड़ा संदेश दिया गया, उनकी गाड़ी सीज की गई और उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई अपील आपके द्वारा जो आवश्यक निकलना है? हम यही अपील सर्विसेज करना चाहते हैं कि अभी भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं, आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। यद्यपि आप लोगों की सहूलियत के लिए कुछ ढील दी गई है, कुछ दुकानें खुली हैं, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा जो पहले वो अभी भी लागू है, उसका आप अधिकतम उपयोग करें। कम से कम बाहर निकलें, और निकलें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें।